डियर स्टूडेंट्स, क्लास फाइव का ये मैथ है, चैप्टर एट, एक्सरसाइज 49। तो इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि पैसे को रुपये में चेंज करना है और रुपये को पैसे में चेंज करना है। इस तरह से बतलाना है आपको रुपये को कैसे पढ़ा जाता है, पैसे को किस तरह से पढ़ा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर वन, इसमें क्या कह रहा है, राइट इन द फॉर्म ऑफ रुपीज यूजिंग डेसिमल नोटेशन। यहाँ पे पैसे में दिया हुआ है, इसको रुपीज के रूप में लिखना है। तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, तो पैसे से हम लोग को रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसका यूनिट जो होता है उसको हम ठीक से समझ लें। जो पैसा होता है, तो ये हो गया पैसा, पैसे, और ये हो गया रुपीज, रुपीज हो गया। इसमें क्या है कि आप, ये छोटा यूनिट है और ये बड़ा यूनिट है। तो आप छोटा से बड़ा की ओर जब चलेंगे, इधर कन्वर्ट करने के लिए जब बोलेगा आपको, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड किससे होगा, 100 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो यहाँ पे, और जब आप बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस यूनिट को समझ के रखना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब आप इससे, जैसे कि आप रुपीज़ में हैं, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, 100 पैसे। और जब आप पैसे में हैं और फिर रुपीज़ में जा रहे हैं, 1 पैसे, 1 पैसे इक्वल टू, तो फिर रुपीज़ में कितना हो जाएगा, 1/100 रुपीज़ हो जाएगा। तो रुपीज़ इस तरह से साइन होता है। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करना है इसी को लगा के, इसी तरह का फॉर्मूला लगाते हुए कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 50 पैसे है, इसको रुपीज़ में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से हो जाएगा, 1 पैसे, 1 पैसे इक्वल टू, यहाँ इतना दिया हुआ है, तो रुपीज़ कितना हो रहा है, रुपीज़ 1/100, 1/100। तो 50 पैसे इक्वल टू, यहाँ पे अब 50 हो गया, 50 पैसे इक्वल टू, 1 की जगह 50 चला जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा। मतलब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक कट गया, कट गया, और 5 2 जा 10, 2 बार में कट गया, ऊपर में रह गया 1, तो मिला जुला के कितना आ गया, 1/2। तो 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देख लेते हैं इस तरह से, जब 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये डिवाइड तो होने वाला नहीं है, इसको जगह रखेंगे और यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। इस तरह से यहाँ कट गया, मतलब 0 पॉइंट कितना आ गया, इसका आ गया 0.5। इसमें हम 0 लगा सकते हैं, इधर 0 लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और नहीं भी लगाएंगे तब भी वैल्यू इसका यही रहेगा। तो मतलब 0.50 ये इसका रुपीज में चेंज हो जाएगा, इसको रुपीज पहले लगा देंगे, ये रुपीज है, ठीक है। तो रुपीज 0.50, इस तरह का ये आंसर हो जाएगा ये। और बी नंबर में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा लेते हैं। जो मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया, आप उसको कॉपी में लिख कर रख सकते हैं, उस तरह से ही ये दो ही फार्मूला इस पे काम करेगा। जैसे 9 पैसे है, तो यहाँ पे 1 पैसे, 1 पैसे इक्वल टू कितना हो गया, 1/100 रुपीज, क्योंकि हम लोगों को रुपीज़ में चेंज करना है। अब यहाँ पे 9 पैसे, ठीक है, 9 पैसे इक्वल टू, तो 9 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है, 9/100। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 0.09 रुपीज। रुपीज का सिंबल हम लोगों को आगे लगाना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगा लेते हैं, ये हो गया रुपीज 0.09 रुपीज, ये आंसर ये हो जाएगा। इसका अगला पार्ट लेते हैं, यहाँ पे है सी नंबर और डी नंबर 1 का। तो इसमें क्या है, रुपीज जो मेरे पास है ऑलरेडी पहले, उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ जो पैसे है उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास तो है ही 4, अब क्या करना है, 4 को रख देना है और ये पैसे जो है इसको 100 से डिवाइड कर देना है, तो 1/100 हो जाएगा, 1/100। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके आप देख सकते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे 0 पॉइंट दिए तो 1 जीरो मिला,
फिर से जीरो लगाएं तो एक जीरो और मिला, और फिर वन बार में गए तो 100 मिला, कट गया, मतलब कितना है 0.01। तो इसका मतलब है कि 4 रुपीज लगाते हैं, क्योंकि रुपीज लगाने के लिए कहा गया है 4.01, ये पॉइंट यहाँ पे है तो 01 इतना आंसर हो जाएगा इसका। उसी तरह से यहाँ पे 15 रुपीज़ 73 पैसे, तो रुपीज़ तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, इसको कन्वर्ट करना नहीं है, इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ क्या हो जाएगा 73/100। तो इसको शॉर्टकट निकालने का क्या तरीका है, जीरो दो जीरो है तो इधर से दो काउंट करेंगे 1, 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि क्या आ जाएगा ये, अब यहाँ पे ये 15 हो गया, 15 रुपीज़ 0.73 ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1।